हेलो दोस्तों, इंद्रेक चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अकरम और आज के इस वीडियो में हम आसूस जेनफोन मैक्स M2 का जो अनबॉक्सिंग करेंगे और क्विक कंपेयर करेंगे मैक्स प्रो M2 के साथ। तो ये रहा बॉक्स पैक, आप देख सकते हो तो काफ़ी अच्छी मतलब पैकिंग है, बॉक्स पैकिंग है। ओके, तो चारों बाजू जो है जेनफोन मैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पर प्राइस जो मेंशन की गई है वो है यहाँ पर 13,000 रुपये, लेकिन इसकी जो 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल मेमोरी की प्राइस है 10,000 रुपये। और अगर आप 4 GB रैम 64 GB इंटरनल मेमोरी वाली अगर फ़ोन लेते हो तो उसकी प्राइस आपको पड़ेगी 12,000 रुपये। ओके, जबकि जो आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 है उसका जो 3 GB वेरियंट है उसकी प्राइस है 13,000 रुपये। ओके, तो चलिए बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आपको जो यहाँ पे एक यूज़र गाइड और एक टीपू ट्रांसपेरेंट कवर दिया गया है फ़ोन के प्रोटेक्शन के लिए। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक ट्रांसपेरेंट कवर है, इसको साइड में रखते हैं, यहाँ पर मिल जाता है एक सिम इजेक्ट पिन। तो ये रहा हमारा फ़ोन, मैक्सिमम परफॉर्मेंस, मैक्स बैटरी और मैक्स डिस्प्ले। तो ये रहा एक एडेप्टर, इसके साथ आपको मिलता है 10 वोल्ट का, और यहाँ पे मिल जाता है USB केबल डेटा सेटिंग और चार्जिंग के लिए। हेडफोन इसके अंदर दिया गया नहीं है, तो कुछ ये चीज़ें हैं जो इसके साथ आपको मिलता है। तो चलिए फ़ोन को जो है यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ये जो कागज़ है। तो आप देख सकते हो ये 6.26 इंच का HD+ डिस्प्ले जो है इसके अंदर देखने को मिलता है, जबकि जो है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के अंदर आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिला है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, LED फ्लैश, जो फ्रंट में भी LED फ्लैश आपको मिल जाता है। इसका जो रियर कैमरा है 13+2 MP का रियर कैमरा जो इसके अंदर दिया गया है। तो यहाँ डिज़ाइन आप देख सकते हो, ऊपर 3.5 mm हेडफोन जैक जो है देखने को मिलता है, और नीचे की साइड पर ये लाइन डिज़ाइन दी गई है। फिलहाल जो इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर स्पीकर आप देख सकते हो, स्पीकर जो पोजिशन है वो काफ़ी अच्छा है, और गेमिंग को ध्यान में रखते हुए जो बनाया गया है, मतलब अगर आप गेम खेलते हो तो बिल्कुल भी ये जो स्पीकर है वो कवर नहीं होगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। नॉच थोड़ा सा बड़ा है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के मुकाबले, थोड़ा सा बड़ा नॉच जो इसके अंदर दिया गया। तो फटाफट मैं सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, वो इसका जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड प्योर एंड्रॉयड 8.1 ओरियो जो आपको मिलता है, जो एक स्टॉक एंड्रॉयड है। तो बाद में जो आपको पाई का अपडेट जो है मिल जाएगा, तो कंपनी का दावा है। ओके, कंपनी ने प्रॉमिस किया है जो आपको जो है एंड्रॉयड पाई का ऊपर जो है अपडेट मिल जाएगा। सिम की बात करूँ तो इसके अंदर आपको ट्रिपल स्लॉट मिलता है, मतलब दो सिम कार्ड, 4G OLTE सपोर्ट करेगा दोनों सिम, और आपको जो एक माइक्रो SD कार्ड भी आप सपोर्ट कर सकते हो जो 2 TB तक जो है सपोर्ट होगा। ओके, उसकी मैं प्रोसेसर की बात करूँ, इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 632 का प्रोसेसर मिलता है, जबकि आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर जो है दिया गया था। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप 8.1 ओरियो जो यहाँ पे दिया गया है। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच जो है फोन अक्टूबर का यहाँ पे दिया गया है 2018, तो ये 2018 के अंदर आ गया था। मैं वीडियो अभी 2019 में बना रहा हूँ, तो कुछ दिन पहले ही जो ये फ़ोन आया है। ओके, तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, दिखने में भी काफ़ी अच्छा है। कैमरा की बात करूँ तो आपको जो रियर कैमरा है, मैंने आपको बताया 13+2 MP का रियर कैमरा मिल जाता है, साथ में आपको बहुत सारे प्रो मोड, नाइट मोड, स्पोर्ट्स मोड, अलग अलग ऑप्शन जो आपको मिल जाता है। यहाँ पे कुछ पिक्चर मैंने क्लिक करी है वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी जो है आपको फुल रिव्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस इस फ़ोन का, तो बैटरी बैकअप कैसा है, वो सारी बातें जो है आपको रिव्यू वाले वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं वीडियो की बात करूँ तो इसके अंदर आप जो है 4K वीडियो शूटिंग कर सकते हो, लेकिन जो 720 पिक्सल का ऑप्शन है उसके अंदर आपको जो है इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, 1080p पे नहीं मिलता है। जबकि आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के अंदर जो 1080p का ऑप्शन था उसके अंदर ही इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन दिया गया था। तो इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा मतलब एक फ्यूचर है वीडियो शूटिंग के लिए, अगर आप एक वीडियो शूट करते हो तो। तो मैंने वीडियो के अंदर बताया था मतलब कितना डिफरेंस होता है इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन करके या डिजिबल करके। तो मेरा एक प्रीवियस वीडियो है आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का, तो उसके अंदर जो है आप देख सकते हो। फ्रंट कैमरा की बात करो, इसके अंदर 8 MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, साथ में जो आपको ब्यूटीफाई का ऑप्शन मिल जाता है। ओके, तो ये रहा कुछ पिक्चर क्वालिटी, आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो बाकी जो है आपको फुल रिव्यू के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इस फ़ोन की बैटरी की बात करो तो 4000 mAh की बैटरी जो है मिल जाती है, जो 2 दिन का बैकअप जो है आपको मिल जाएगा 4000 mAh की बैटरी, जो काफ़ी बड़ी है। तो डिज़ाइन आप देख सकते हो, आपको आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 के अंदर ग्लोसी फिनिश मिलता है, जबकि इसके अंदर आपको मेटेलिक फिनिश मिलता है, और ये काफ़ी मतलब हल्का भी है, लगभग 160 ग्राम इसका वजन है, और इसका थिकनेस भी काफ़ी कम है 7.7 mm, जबकि आसूस जेनफोन मैक्स प्रो M2 का है 8.5 mm, और उसका जो वेट है 175 ग्राम। डिज़ाइन आप देख सकते हो, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है।
और ये एक मेटालिक फिनिश है जिसमें मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट दाग धब्बे भी इतना नहीं लगेगा और बिल्कुल भी। लेकिन ये जो ग्लोसी फिनिश है इसके अंदर जो है दाग धब्बे लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको कवर का इस्तेमाल करना होगा। प्राइस का डिफरेंस की बात करूँ तो 3000 का डिफरेंस है, तो ये है 10,000 रुपये। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ASUS ZenFone Max Pro, इसकी प्राइस है 13,000 रुपये। तो आप बताना आपको कौन सा पसंद है, आपको कौन सा लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है दोनों फ़ोन का, तो वहाँ से आप ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना रेड बटन पर क्लिक करके, और बेल आइकन को भी इनेबल कर देना ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वॉचिंग, फिर मिलेंगे इसी नए टेक वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदी टेक।